छतरपुर जिले में एक रसूखदार अफसर के रूप में काम करने वाले जिला खाद्य अधिकारी बीके सिंह और उनका विभाग गरीब और छोटे व्यापारियों पर जुल्म कर रहा है। खाद्य विभाग की टीम जिले में संचालित होने वाले आलीशान होटलों और रेस्टोरेंट पर कभी कार्यवाही नहीं करती, लेकिन छोटे टपरों में चाय बेचने वाले गरीब मजदूरों पर ये विभाग तानाशाही पर उतर आता है। 10 दिन पहले बीके सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने छतरपुर शहर के छोटे मोटे चाय, समोसे और डेयरी दुकानदारों से रसोई गैस के 45 सिलेंडर जब्त किए थे। आरोप था कि उनके द्वारा व्यावसायिक रसोई गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि घरेलू रसोई गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। बहरहाल इस जब्ती के बाद उनके सिलेंडर जुर्माने के आधार पर छोड़े जाने चाहिए थे, लेकिन वो भी 10 दिन गुजरने के बाद आज तक नहीं छूट पाए हैं। ऐसे में छोटे व्यापारी बीके सिंह और उनके विभाग को कोस रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर जिस कीमत पर बेचा जा रहा है, लगभग वही कीमत व्यावसायिक गैस सिलेंडर की भी है। आज की तारीख में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 77 रुपए 14 पैसे प्रति किलोग्राम है, जबकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 84 रुपए है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने दोनों सिलेंडरों की कीमत के अंतर को ही लगभग खत्म कर दिया है, तब इसके इस्तेमाल पर गरीबों को क्यों सताया जा रहा है। एजेंसी संचालक शानु गुप्ता ने बताया कि दुकानदारों को भी समझदार बनना चाहिए। यदि वे इस मामूली अंतर के बावजूद घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें परेशान होना ही पड़ेगा। उन्हें व्यावसायिक गैस का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर को खाद्य विभाग ने छतरपुर शहर के लगभग 45 रसोई गैस सिलेंडर जब्त करते हुए 33 लोगों पर प्रकरण दर्ज किए थे। अब ये 33 गरीब और छोटे दुकानदार अपने रसोई गैस सिलेंडर वापस पाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। पिछले दिनों पराठे बेचने वाले एक छोटे व्यापारी प्रकाश रैकवार का सिलेंडर जब्त होने के बाद रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अन्य दुकानदारों की भी यही हालत है। एक दुकानदार गोविंद विश्वकर्मा ने बताया कि हम अपना सिलेंडर जुर्माने के बाद भी नहीं उठा पा रहे हैं। 10 दिन से हमारे सिलेंडर पर जुर्माने की कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में खाद्य अधिकारी बीके सिंह का कहना है कि गरीब हो या अमीर, सबके सिलेंडर जब्त किए जाते हैं और सभी प्रकरण कलेक्ट्रेट भेजे गए हैं। जब कलेक्टर न्यायालय इन पर जुर्माना करेगा तभी सिलेंडर वापस दिए जाएंगे। चौबीस तरह पे चाय की और नाश्ता की। कितने तारीख को आपका सिलेंडर कितने पकड़ गए थे, कौन पकड़ ले गए थे? हमारे सिलेंडर पकड़े थे 10 तारीख को। वो माताराम खत्म हो गई थी तो एक सिलेंडर भराने को लाए थे तो बिल्कुल खाली रखा था, एक भरा रखा था, मतलब चला रहे थे, आधा था उसमें बची थी गैस, बाकी बड़ा वाला अपने घर पे रखा था। तो उन्होंने बिना बताए आए और सीधे उन्होंने 2 सिलेंडर और भट्टी ले गए। वो 2-3 दिन दुकान बंद रही, अब क्या करें साहब, फिर जो लेने पर वो हमें मजबूरी में। वहाँ बात नहीं की आपने जाकर? की बीके सिंह साहब से, सुबह कह रहे थे वो कुछ नहीं होगा, कार्रवाई हो गई। कही थी हमने कि साहब एक ठैया दे दो हमें, काम चले, घर को घर नहीं है बिल्कुल, लकड़ियों से खाना बन रहा। तो बोले नहीं, वो नहीं मिले, ये कार्रवाई हो गई है पूरी। आप लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए? बहुत ज़्यादा परेशान है, विभाग के चक्कर काट रहे हैं। आओ जब भी जाओ तो सब जो ये काट के भैया अभी कार्रवाई हो रही है, मिलेंगे सबके मिलेंगे। बस 40-42 लोगों के बताए हैं उन्होंने कि सबके किसी के नहीं मिले। वे बिल्कुल वो ही नहीं दे रहे कि भैया कब मिल जाए, आज मिल जाए, कल मिल जाए, कि नोटिस मिले हैं कि का। बस जो कर नोटिस आएगा, अब कब आएगा, आज 15 दिन हो गए, वो सुनाई नहीं हो रही।